तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ व्हाट्सएप के एक नए अपडेट के बारे में और एक नए फीचर के बारे में जो कि अभी रिसेंटली रोल आउट कर दिया गया है। ये जो फीचर बताने वाला हूँ ये सभी यूजर के लिए आ चुका है। ऐसा नहीं कि बीटा यूजर के लिए है या iOS यूजर के लिए है, ये सभी एंड्रॉइड और iOS यूजर के लिए रोल आउट कर दिया गया है। इस फीचर का नाम है अनडू डिलीट फॉर मी वाला फीचर। कहाँ मिलेगा, कैसे यूज करेंगे, आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देना ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेट टेक में। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको नए फीचर के बारे में बताने वाला हूँ। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले करना क्या है, आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में या फिर अपने iOS स्टोर में जाके, ऐप स्टोर में जाके आपको अपने व्हाट्सएप को अपडेट कर लेना है। चाहे आप नॉर्मल यूजर हो, चाहे आप नोविटा यूजर हो, ये सबको मिलने वाला है। तो ओपन कर लेना, आपको उस पर्टिकुलर चैट पे चले आना है जिसका आपको मैसेज डिलीट करना है। ये काम कैसे करेगा, लाइक जैसे मान लो ये कुछ मैसेज मैंने लिखा हुआ है, अब ये मुझे अपने आप से डिलीट करना है या फिर डिलीट फॉर मी करना है। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे को डिलीट फॉर मी का ऑप्शन दिख रहा है, आप देख रहे होंगे, और मैंने यहाँ डिलीट फॉर मी करा। अब आपको यहाँ नीचे अंडू का ऑप्शन मिल जाएगा जो कि पहले नहीं आता था, ये अब आपको नीचे अंडू का ऑप्शन मिल जाएगा जो कि बहुत यूजफुल फीचर है। लाइक मैंने यहाँ पर लिखा हाय, ठीक है, अब मुझे करना क्या है, मैंने इस पर क्लिक करा, अब मैंने इसको डिलीट फॉर एवरीवन करने की जगह गलती से मैंने डिलीट फॉर मी कर दिया। अब फट से मेरे को उसको वापस अंडू भी कर सकते हैं ताकि हम उसको दोबारा अंडू करने के बाद डिलीट फॉर एवरीवन वाला फीचर यूज कर सकें। मतलब ये होता ही था यार, बहुत बार होता, मेरे साथ भी होता था यार, आप लोगों के साथ भी होता ही होगा कि हमें डिलीट फॉर एवरीवन करने की जगह गलती से हम डिलीट फॉर मी पे क्लिक कर देते। इससे होता क्या था कि वो तो हमारे पास डिलीट हो गया मैसेज, अब वो वापस कैसे रिकवर करें। तो अब आपको नीचे अंडू का ऑप्शन मिल जाएगा जिससे आप डिलीट फॉर मी वाले मैसेज को वापस ले आएंगे और बाद में आप उसको डिलीट फॉर एवरीवन वाला फीचर का यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कमाल का फीचर है। ये एंड्रॉइड यूजर के, बीटा यूजर के लिए तो बहुत पहले आ गया था, बट अब ये फाइनली सबको रोल आउट हो चुका है। आप देखेंगे हमने कुछ भी लिखा और हमें इसको डिलीट फॉर मी करना है, तो हमने यहाँ पर क्लिक करा, तो डिलीट फॉर मी पे क्लिक करेंगे, आपको कुछ सेकंड के लिए दिखेगा, उसके बाद आप यहाँ से उसको अंडू कर सकते हैं, वो मैसेज आपका वापस वहां पर आ जाएगा। तो ये ऐसे वर्क करता है, बहुत ही यूजफुल फीचर है मुझे तो लगा, इसलिए मैंने आपको वीडियो बना के बताया। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है उसमें मेरी कुछ कमी तो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे डीएम करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो करना ना भूले, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।